कोरोना महामारी और लॉकडाउन में कई लोग असहाय लोगों की मदद कर रहे हैं, तो कई संस्थाएं मदद के लिए आगे आई हैं। वहीं इस बीच गोरखपुर में महादेव अन्नपूर्णा संस्थान लगातार निर्धन असहाय लोगों तक भोजन पहुंचाने का काम कर रही है, साथ ही कोरोना संक्रमित लोगों के घर तक भी भोजन भेज रहे हैं, जिसे लेकर हमारे संवाददाता प्रिंस तिवारी ने महादेव अन्नपूर्णा संस्था के संरक्षक और मुखिया से बात की। उत्तर प्रदेश में लगातार बढ़ रहे कोरोना के संक्रमित मरीजों में फिलहाल इस समय लगातार आंकड़े कम तो नज़र जरूर आ रहे हैं, लेकिन जो प्रदेश सरकार की ओर से लॉकडाउन का जो समय है वो 30 मई तक कर दिया गया है। जो जिनको रोज़ कुआं खोदना, जिनको रोज़ पानी पीना है, उनको लिए उनके लिए खड़े आए हैं अन्नपूर्णा महादेव, जो कि ये प्रतिदिन लोगों को उनके घर घर जाकर रोडों पर जितने भी गरीब असहाय लोग हैं उन लोग को उनको भोजन खिलाने में इनका एक बड़ा योगदान है। और काफ़ी युवा हैं, इनसे बात करते हैं कि कितने दिनों से ये अपने संस्था को चला रहे हैं, कितने लोगों को अब तक इन लोगों ने भोजन खिलाया है, कितने लोगों तक आगे भेजेंगे, क्या कुछ है इन्हीं से पूरा जानते हैं। क्या कितने लोगों को आप प्रतिदिन भोजन करा रहे हैं? प्रतिदिन हफ्ते में हम लोग 2 से 3-4 दिन तक जो समस्याएं हो रही हैं गोरखपुर में कोरोना मामले को देखते हुए, जैसे लॉकडाउन बढ़ रहा है उस मामले को देखते हुए बहुत लोग हैं जो सड़कों पे भूखे प्यासे लोग रहते हैं, झुंगी वाले लोग रहते हैं, खाने के लिए परेशान रहते हैं, उनके लिए हमने एक महादेव अन्नपूर्णा टीम तैयार की है। ये टीम भूखे गरीब असहाय लोगों के लिए काम कर रही है, तक संभव हो सकेगा हम लोग कार्य करते रहेंगे। और यही विनम्र निवेदन कि हम लोग किसी भी कोरोना पॉजिटिव रहे, चाहे कोई भी ऐसा है जो आने में असमर्थ है, हम लोग से बात करने में असमर्थ है, वो हमारी टीम से संपर्क करे, हमसे संपर्क करे, हम लोग उनके पास भोजन अवश्य पहुंचाया जाएगा और कार्य करता रहा जाएगा। कितने दिनों तक आप ये लगातार भोजन लोगों को बांटते रहेंगे? कितने दिनों से ये चला आया? ये अब कार्य हमेशा निरंतर चलता रहेगा और ये कार्य तकरीबन 1 से 1.5 महीना हुआ हम लोग को स्टार्ट किए हुए और आगे हम लोग करते ही रहेंगे। बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ महादेव अन्नपूर्णा के जो कि खुद संरक्षक हैं अविनाश कुशवाहा जी। इनका साफ तौर पे कहना था कि जो ये लॉकडाउन का समय बढ़ाया गया है, हम इसका निरंतर हम लोगों गरीबों तक उनको भोजन खिलाने में एकदम सक्षम रहेंगे और हमारी जितनी प्रयास रहेगी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम भोजन भी प्राप्त कराएंगे। जन टीवी के लिए प्रिंस तिवारी, गोरखपुर।